नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुरभि व्योम किचन में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा परवल, जिसे परवल की कलौजी भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये आप दाल चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ परवल ले लिया है, परवल को अच्छे से धुल लिया है। और धुलने के बाद अब हम यहाँ पे चाकू की सहायता से सबसे पहले इसके किनारे के थोड़े थोड़े हिस्से को हम कट करके निकाल देंगे। और उसके बाद चाकू से ही हल्का हल्का सा इसे छीलेंगे। तो यहाँ पे हमें छिलनी का यूज़ नहीं करना है, वरना ये ज़्यादा इसका मोटा छिलका निकल जाएगा। तो इसे मोटा छिलका नहीं निकालना है, बस इस तरह से चाकू से हल्का हल्का सा, बहुत ही पतला सा छिलका ही हमें इसका निकालना है। तो बस इसी तरह निकाल लेंगे और उसके बाद हम चाकू से ही बीच से इसे कट कर लेंगे। और कट करने के बाद यहाँ पे हम एक चम्मच लेंगे और चम्मच का जो पीछे का हिस्सा होता है, उस चम्मच की सहायता से इसके अंदर का जो भी गूदा और बीज है उसे हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यहाँ पे गूदा और बीज निकल जा रहा है। तो यदि यहाँ पे बीज जो है वो पके हुए होंगे, काले होंगे, तो ऐसे बीज का यूज हमें नहीं करना है। ऐसे बीज को हमें हटा देना है। जो बिल्कुल कच्चे वाले बीज होते हैं और इसका जो गूदा है वो एकदम सफ़ेद होगा, यानी पका हुआ नहीं होगा, तो ऐसा वाला ही हमें यूज करना है। तो यहाँ पे परवल को इस तरह से जब हम काटते हैं तो इसके अंदर अच्छा सा जगह भी बन जाता है। जो भी हम मसाला तैयार करते हैं वो बहुत ही आसानी से इसके अंदर भर जाता है। तो इसी तरह से हम सारे परवल को यहाँ पे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सामने लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो बस इसी तरीके से हम सारे परवल यहाँ पे फटाफट से कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बीज जो है बिल्कुल सॉफ्ट है एकदम, मतलब यहाँ नाखून से उसे दबाने से आसानी से एकदम दब जा रहा है। तो देखिए सारे परवल को मैंने यहाँ कट कर लिया है और इसका गूदा बीज भी अलग कर लिया है मैंने। तो अब ये हमें क्या करना है कि इसे मिक्सी जार में हमें पीसना है। तो इसके साथ कुछ और चीज़ों को भी हम पीसेंगे। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं। और इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी मिर्चा, थोड़ा सा अदरक। इसे डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इन सभी चीज़ों को हम साथ में ही पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है। यहाँ पे मैंने करीब 2 से 3 चम्मच पानी का भी यूज किया था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। और पानी डाल के तब ये बहुत ही आसानी से पीस गया है। तो अब चलिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं कढ़ाई में। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम तेल डाल देंगे। तो अभी मसाला तैयार करना है इसलिए थोड़ा ही तेल डालेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया है और यहाँ पे मैंने कटा हुआ बारीक प्याज रखा है, उसे भी अब डाल देंगे। तो इसे हम अच्छे से भुनेंगे जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को अच्छे से पहले भून लेंगे। और उसके बाद जो भी हमने मिक्सी जार में जो भी पीसा हुआ था, उसके बाद हम उसे भी यहाँ पे डाल के भूनेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्याज को भून देने देते हैं। तो बस यहाँ पे लगातार चलाते हुए प्याज अच्छे से हमारे भून चुके हैं। अब हमारा जो बैटर तैयार हुआ था मिक्सी जार में, उसे भी हम यहाँ डाल देंगे ताकि इसमें भी जो कच्चापन है, यानी कि जो लहसुन वगैरह हमने डाला था उसका कच्चापन है, वो भी हट जाएगा। तो इसे भी करीब 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लेंगे। तो जब इस तरह से हम मसाला तैयार करते हैं तो हमारा मसाला बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो ये भी भून चुका है। तो अब हम यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे। तो करीब 2 चम्मच मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ले रही हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे जीरा पाउडर लेंगे। तो करीब 1 चम्मच मैं यहाँ पे जीरा पाउडर मैंने डाला है। और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। तो हरी मिर्च भी डाले थे इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च डाले हैं। थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी डाल दिए हैं। और स्वादानुसार यहाँ पर अब हम नमक डाल देंगे।
और बस अब सभी चीज़ों को चला के अच्छे से हमें इस मसाले को तैयार कर लेना है। तो बस अब 2 मिनट में ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बस इस तरह से चला देंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए, तो बस यहाँ पे मसाले हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और जब मसाले भुन जाएंगे तब हम इन्हें इस प्लेट में निकाल के पहले ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे मसाले भुन चुके हैं, तो अब हम इन्हें किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और सबसे पहले हम इन्हें ठंडा कर लेंगे, तब हम यहाँ पे परवल के अंदर इसे भरेंगे इन मसालों को। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे ठंडा हो चुके हैं, तो अब हम एक एक परवल को लेके उसके अंदर मसालों को अच्छे से भर देंगे। तो आप देख सकते हैं परवल में इतना अच्छा खाली जगह है कि मसाले तो हमारे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भर जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे पकाते समय। तो बहुत ज़्यादा दबा दबा के मसाले बिल्कुल नहीं भरने हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सा स्पेस है। यदि ज़्यादा दबा के भरेंगे तो बहुत ज़्यादा मसाला इसके अंदर आ जाएगा। तो बस आसानी से जितना पड़ जाए उतना ही मसाला हमें इसके अंदर भरना है। तो बस सभी परवल में हम इसी तरह से मसाले को भर देंगे। तो देखिए परवल सारे परवल में यहाँ मसाले भर चुके हैं, तो अब हम कढ़ाई में इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वही वाली कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने मसाला भुना है, उसी कढ़ाई में फिर अब हम इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पे तेल मैंने डाल दिया है और एक एक परवल को सारे परवल को यहाँ पे हम डाल देंगे। तो अभी तो परवल मैंने डाल दिया है लेकिन यहाँ पे तेल नहीं सब सारे परवल पे लगाया, तो इस तरह से चम्मच की सहायता से हम सारा जो परवल है उसमें इसको इस तरह से मतलब चला देंगे कि तेल जो है हर तरफ से इसमें लग जाए। तो जब तेल लग जाएगा तो उसके बाद हम इसे ढक देंगे। तो ये हल्के आंच पे धीरे धीरे करके जो है बहुत ही अच्छे से पकेगा। तो इस तरह से जब हम पकाते हैं तो हमारा परवल बहुत ही बढ़िया से पक जाता है, और डाल के सीधे ही छोड़ देते हैं और तेल नहीं लगा होता तो ये बहुत अच्छा नहीं पकता। तो इस तरह से सबसे पहले हम चला देंगे और इसके बाद इसे ढक देंगे और एकदम ही लो फ्लेम पर हम इसे पकाएँगे। बिल्कुल भी आँच तेज़ नहीं रखना है, धीरे धीरे आँच पर ये बहुत ही अच्छे से पक जाता है। तो देखिए थोड़े देर बाद मैंने इसे ढक्कन हटाया है, तो उसके बाद फिर से हम इसे थोड़ा पलट देते हैं ताकि ये दूसरे साइड से भी थोड़ा सा अच्छे से पक जाए नीचे की तरफ। तो बस इसी तरह से हमें लगातार मतलब बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाना है। बस एक बार चला के फिर इसे ढक देंगे और फिर से थोड़ी देर बाद फिर हम इसका ढक्कन हटाएँगे, फिर से उलट पलट के, यानी कि इसको लगातार उलटते पलटते हुए हमें अच्छे से पका लेना है। तो थोड़ा समय लगता है, यानी कि 15 से 20 मिनट लग जाता है इसको बहुत ही अच्छे से पकने में। परवल है तो थोड़ा सा इसे सॉफ्ट होने में समय लगता है, तो इसे बहुत ही अच्छे से हमें पकाना है, इस बात का ध्यान रखना है, और एकदम ही कम आंच पे इसे पकाना है, तभी हमारे परवल की कलौंजी जो है बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए परवल लगभग हमारा पक चुका है, तो इसे ज़्यादा नहीं 1 से 2 मिनट और पकाना है हमें, क्योंकि देखने से भी पता चलने लगता है कि परवल कितना पक चुका है। तो आप देख के भी लग रहा होगा कि हाँ परवल जो है ज़्यादातर पक चुका है, ज़्यादा नहीं इसे पकाना है। तो बस थोड़ी देर के लिए और इसे ढक देते हैं और फिर से थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे। तो देखिए फिर से अब इसे चला देते हैं, तो यहाँ पर अब लगभग हमारा परवल एकदम बन के तैयार हो चुका है। तो वैसे तो देखने से ही पता चल जाता है कि परवल पक चुके हैं, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ चाकू की सहायता से हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ परवल अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे देखिए चाकू लगाने से बहुत ही आसानी से प्रेस हो जा रहा है अंदर की तरफ, तो ये परवल बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो बस अब हमारा जो परवल का कलौजी है या भरवा परवल बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।